हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं जो आज फूल वाले पौधे के बारे में बात करूंगी, उसका नाम टिकोमा है। इसे कई जगह पर येलो बेल भी कहा जाता है। हिंदी में इसे गोडीचोरी भी कहते हैं। इस पौधे को लगाना और उसकी देखभाल करना बहुत ही आसान है। इस पौधे को कटिंग से भी लगाया जाता है और आप नर्सरी से खरीद के लाके भी इस प्लांट को अपने गमले में लगा सकते हैं। इस पौधे को लगाने के लिए 16 इंच, 14 इंच, 16 इंच या उससे भी बड़े गमले का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह पौधा बड़ा और घना होता है। इससे जितना ही घना होगा इसमें फूल भी उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी। इसके फूल छोटे और गुच्छों में होते हैं, इसलिए यह बहुत ही आकर्षित दिखता है। ये हमारे गार्डन को अपने फूलों से सदा भरे रखता है। इसके फूल ऐसे तो सालों भर आते रहते हैं, परंतु मार्च से लेके दिसंबर तक इसमें ज़्यादा फूल आते हैं। दिसंबर के बाद भी इसमें फूल आते हैं पर थोड़े कम हो जाते हैं। इस पौधे को देखभाल करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि यह परमानेंट पौधा है। इसलिए इस पौधे को एक बार जहाँ लगा देते हैं वो सालों साल चलते रहता है। इस पौधे को ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए मिट्टी, गोबर की खाद या किसी तरह की खाद, वो किचन कंपोस्ट भी हो सकता है, और बालू बराबर बराबर मात्रा में लेकर अपने पॉट में भर लें और इसके कटिंग को बरसात के सीजन में उसमें लगा दें, या फिर नर्सरी से इसके पौधे को लाके इसमें लगा दें और कुछ दिन तक इसको छाया में रखें। फिर जब पौधा अपना जड़ पकड़ लें फिर इसे प्रॉपर सनलाइट वाले एरिया में रख दें। इसमें हर रोज पानी देते रहें और हर 20 दिन के बाद इसमें किसी भी तरह का, चाहे वो किचन कंपोस्ट हो चाहे वो गोबर का खाद हो, दो दो मुट्ठी हर 20 दिन के बाद इसमें डालते रहें, या उस कंपोस्ट को पानी में डालकर 3 दिन भिगोकर उसके पानी को निकाल के इसमें इसके मिट्टी में मिलाते रहें। बस इतना करने से ही यह पौधा सालों साल हमारे गार्डन में चलता रहेगा और हमारे गार्डन को अपने सुंदर सुंदर फूलों से सजाता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।